We discussed earlier that sustainability is not without profitability. पहले बात की थी अदनान ने उसके ऊपर कि जो है वो सस्टेनेबिलिटी के अंदर जब तक प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी उस वक्त तक किसी का उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा ना. तो यहाँ पे जो हम पॉइंट्स दे रहे हैं और जो हम क्यूईसी के ऊपर एम्फोसिस कर रहे हैं, देखिए इनमें से अगर हम एक दो पॉइंट को भी बीइंग एन इंस्टीट्यूशन ले लेते हैं, दैट माय करिकुला इज कॉम्पिटेटिव, कॉम्पिटेटिव इन द एस्पेक्ट ऑफ वर्क, कॉम्पिटेटिव इन द एस्पेक्ट ऑफ द सस्टेनेबल वैल्यूज दे आर इनकलकेटेड इन माई ग्रेजुएट, मेरा जो पास आउट होगा वो सस्टेनेबिलिटी को ना सिर्फ समझता है, उसकी प्रैक्टिस करता है, बल्कि जब वो कॉरपोरेट में जाएगा तो उसके बुनियाद पर डिसीजन लेगा. एंड इफ विल टॉक अबाउट एनी ऑफ द इन उर्दू सेठ, तो उसकी सोच पहले कहाँ से शुरू होती है? प्रॉफिट, प्रॉफिट. उसको जब आके इनकम्बेंट, जॉब इनकम्बेंट बताएगा कि आई कैन क्रिएट प्रॉफिट फॉर यू,